नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 25 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीएलआरएस बिहार ने 2506 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। बीजों की प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार दे रही 25% तक की सब्सिडी। इस बार गांव में लग रहे स्मार्ट सोलर लाइट। अब किसान ड्रिप सिंचाई कर सरकार से ऐसे ले सकते हैं 50% तक का अनुदान। आज सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएलआरएस बिहार ने 2506 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे डीएलआरएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, कानूनगो, क्लर्क और अमीन के कुल मिलाकर 2506 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नवरात्रि में उपवास रखने वाले लोगों को रेलवे दे रही ये सुविधा। नवरात्रि में उपवास रखने वाले के लिए रेलवे और भी सुविधा लेकर आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नवरात्रि में इंडियन रेलवेज के ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को खास सुविधा मिलेगी। दरअसल 26 सितंबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र में उपवास रखने वाले यात्रियों को ट्रेनों में खान पान में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे यात्रियों के लिए फलाहार की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए IRCTC ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही नहीं, नवरात्र के दौरान ट्रेनों की पेंट्री कार में शाकाहारी भोजन पकाने की व्यवस्था रहेगी। बिना लहसुन प्याज के भोजन पकेगा। आज गैरीनाथ मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है भागलपुर का अजगैवीनाथ मंदिर। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी के साथ एक बहुश्रुत किंवदंती भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भारत में केवल यहाँ ही गंगा उत्तर दिशा में बहती है, कहीं और ऐसा नहीं है। चूँकि शिव स्वयं आप रूप से यहाँ पर प्रकट हुए थे, अतः श्रद्धालु लोगों ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया गया अजगैवीनाथ मंदिर, अर्थात एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ यह चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव न था। जो भी लोग यहाँ सावन के महीने में कांवड़ के लिए गंगा जल लेने आते हैं, वे इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करना कदापि नहीं भूलते। इस दृष्टि से यह मंदिर यहाँ का अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। बीजों की प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार दे रही 25% तक की सब्सिडी। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल खबर यह है कि अब जल्द किसान भी खुद का बीज प्रसंस्करण बिजनेस शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसमें वो हजारों रुपए का मुनाफा कमा सकेंगे। दरअसल बिहार कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी निदेशालय द्वारा बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए किसान, व्यक्तिगत निवेशक और किसान उत्पादन संगठनों को 25% तक पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। रोजगार की तलाश में बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अहम सूचना है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में कार्यालय परिचारी के पद पर नौकरी करने के योग्य हैं। इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। ये भर्ती विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के रिक्त पदों के लिए निकाली गई है। विभाग के कुल 238 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार dst.bihar.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
इस जिले में रिंग रोड के लिए केंद्र सरकार ने दिया DPR बनाने का निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ती प्रसिद्धि के बाद दरभंगा में अब रिंग रोड बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दरभंगा में रिंग रोड बनाने के लिए DPR बनाने को कहा है और अब DPR मिलने के साथ ही यहाँ रिंग रोड के लिए विधिवत काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इसी साल केंद्र सरकार ने बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने पर सहमति जताई थी। इसी के आलोक में अब केंद्र सरकार ने बिहार के गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को कहा था। इस बार गांव में लग रही है स्मार्ट सोलर लाइट। बिहार के गांवों में सोलर लाइट लगाने की यह योजना भले ही पुराना हो, लेकिन इस बार सोलर लाइट लगाने का तरीका बिल्कुल नया होगा। बता दें कि पिछली बार बड़े पैमाने में सोलर लाइट के मामले में गड़बड़ी पाई गई थी। कई जगह ऐसी घटिया सोलर लाइट लगी कि वह 10 दिन भी रोशनी नहीं दे सकी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल ऐसे व्यवस्था की गई है कि सोलर लाइट अगर चोरी हो जाती है तो चोरी की गई बैटरी अगर दूसरी जगह लगती भी है तो तुरंत ही नियंत्रण कक्ष को लोकेशन के साथ यह मैसेज आएगा कि उसे कहां लगाया गया है और ना ही बैटरी खोलना इतना आसान है और ना ही इसका इस्तेमाल। ऐसे में इस बार इंतजाम बिल्कुल पुख्ता किया गया है। गांव के स्ट्रीट लाइट का डेटा खुद ब खुद मुख्यालय तक पहुंचेगा, जिसके बाद मुख्यालय को ये तक पता होगा कि लाइट कब जली और कब बुझी है। आज चुनी जाएगी राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भाग लेने वाली बिहार की टीम। 29 से 31 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होने वाली दूसरी U23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए बिहार की टीम का चयन आज होने वाला है। बिहार की ये टीम आज 25 सितंबर को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चुनी जाएगी। वहीं टीम का पहला ट्रायल 26 सितंबर को होना था, लेकिन उस दिन नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से इसे प्रीपोन कर दिया गया है और 25 सितंबर को ही ट्रायल भी रखा गया है। इस प्रतियोगिता में जिन भी खिलाड़ियों को भाग लेना है उनकी उम्र 23 वर्ष से कम होना चाहिए। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे लक्ष्मेश्वर सिंह की। 25 सितंबर 1858 को दरभंगा में जन्मे लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा और मिथिला क्षेत्र के बड़े जमींदार थे। अभी भी उनके परोपकारी कार्यों, प्रशासनिक क्षमताओं और उनकी संपत्ति के प्रबंधन की बहुत सराहना की जाती है। दरभंगा महाराज स्मृति शेष लक्ष्मेश्वर सिंह कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। सन 1888 में कांग्रेस सत्र इलाहाबाद में होना था। अंग्रेजी सरकार ने निषेधाज्ञा लगा दी कि किसी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम नहीं हो सकता है। देश भर में कार्यकर्ता आने वाले थे। जब सार्वजनिक मैदान नहीं मिलेगा तो लोग कहां जुटेंगे, सब चिंतित थे। दरभंगा महाराज ने रातों रात इलाहाबाद का सबसे बड़ा महल खरीद लिया। अगले दिन उसी परिसर में कांग्रेस का भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद महाराजा ने वो महल कांग्रेस को भी दान कर दिया। जीविका उद्यमियों को अब 15 लाख रुपए देगी सरकार। बीते दिन शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इथेनॉल प्लांट सहित लेदर गुड पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लेदर पार्क में बैग निर्माण की प्रक्रिया भी देखी। जीविका दीदियों को यहां मिलने वाले रोजगार को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदी अब उद्यमी बन गई हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार 15 लाख रुपये ऋण देगी। मुख्यमंत्री ने ऋण की राशि 5 लाख बढ़ाने को कहा है। दरअसल वहाँ मौजूद जीविका उद्यमियों ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का ऋण दिया जा रहा है। शेड में काम शुरू करने के लिए 12 लाख पे मशीन में ही खर्च हो जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। निकाय चुनाव में दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया हुआ संपन्न, इतने उम्मीदवार उतरे मैदान में। बिहार में निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच बीते दिन निकाय चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गया। वहीं नामांकन प्रक्रिया के साथ ही शहरी क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि बिहार में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 16 सितंबर को शुरू हुई थी, जो कि बीते दिन 24 सितंबर को नामांकन कराने आए उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ के साथ संपन्न हुआ। दूसरे चरण में हुए नामांकन का मतदान अगले महीने की 20 तारीख को होना है। वहीं द्वितीय चरण में नगर पंचायत के कुल 724 पदों पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं नगर निगम के कुल 865 पदों पर 2808 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना। बिहार में मॉनसून की अब विदाई हो रही है। इस दौरान लौटते मॉनसून की वजह से बिहार के कई इलाकों में बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
मौसम विज्ञानियों की माने तो उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार में रविवार को बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जिलों के तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से बिल्कुल बचें। वज्रपात की घटना से आए दिन लोगों अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दिन होगा तय, लालू यादव होंगे राजद सुप्रीमो या तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी। राष्ट्रीय जनता दल की चल रहे संगठनात्मक चुनाव में 10 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव राजद के सुप्रीमो बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी द्वारा पार्टी के संगठनात्मक चुनाव सत्र 2022-25 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बताया गया है कि 26 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची का तदर्थ प्रकाशन किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय कार्यालय दिल्ली, केंद्रीय कैंप कार्यालय पटना एवं सभी राज्यों के राज्य कार्यालयों में कर दिया जाएगा। इस जिले में 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। बीते दिन बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज जिला में अपने पैतृक गांव फुलबड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज में 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। साथ ही गोपालगंज सदर अस्पताल को मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिस पर 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कल शाम यानी आज 25 सितंबर के शाम 6:30 बजे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलेंगे। अब किसान ड्रिप सिंचाई कर सरकार से ऐसे ले सकते हैं अनुदान। ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तर्ज पर प्लास्टिक मल्चिंग लगाकर खेती करने वाले किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए मल्चिंग योजना के तहत 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि ड्रिप सिंचाई सिंचाई का एक ऐसा तरीका है जो पानी की बचत करता है और यह पौधे या पेड़ की जड़ में पानी के धीरे धीरे सोखने में, चाहे वो पौधे के ऊपर वाली मिट्टी हो या फिर जड़ हो, मदद कर खाद और उर्वरक के अधिकतम उपयोगी इस्तेमाल में मदद करता है। ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर अधिकारी ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। पटना मेट्रो सुरंग बनाने के लिए चाइना से मंगाई जा रही है टनल मशीन। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं पटना में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और ट्रैक के लिए रूट निर्धारित कर लिया गया है और इसके तहत राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके लिए सुरंग बनाई जा रही है। इसके लिए टनल बोरिंग मशीन की जरूरत होगी, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं है और जिसे चाइना से मंगाने की बात कही जा रही है। इस काम को 2 साल 8 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जो मोइनुल हक स्टेडियम से घुसेगी और मलाही पकड़ी के पास बाहर निकल जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश का बिहार के वकीलों को सुझाव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को पटना के बापू सभागार में वकीलों के सामाजिक दायित्व के विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जहां देश भर से आए अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित इस सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वकीलों की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि आम लोगों से जुड़े मुद्दे को उठाने की ताकत वकीलों में ही है। चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि वकीलों की सामाजिक भूमिका काफ़ी बड़ी है, लेकिन उन्हें आम लोगों से संबंधित मुद्दे उठाने की बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम पंक्ति में वकीलों ने ही स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किया। दूसरे दिन भी पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल रहा जारी। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा, जिसकी वजह से ओपीडी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। जैसे ही शनिवार की सुबह ओपीडी खुली, जूनियर डॉक्टरों ने जाकर ताला जड़ दिया। आलम यह रहा कि शनिवार को 1200 से अधिक मरीज बिना इलाज कराए अस्पताल से निराश होकर लौट गए। दरअसल जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब इमरजेंसी में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं तो मरीज को बचाने का दबाव हम पर भी होता है और कोई डॉक्टर
नहीं चाहता कि मरीज की जान जाए। ऐसे में मरीज की जान जाने के बाद परिजन कई बार उग्र हो जाते हैं और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को भी यही हुआ था। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टरों से बदसलूकी की, वहीं अस्पताल के गार्ड सुरक्षा करने में फेल रहे। सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू यादव बीते दिन दिल्ली चले गए हैं। उनकी दिल्ली जाने की खबर पहले से ही चल रही थी। दरअसल लालू यादव दिल्ली सोनिया गांधी से मुलाकात करने गए हैं। इस क्रम में जब लालू यादव बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने अमित शाह द्वारा महागठबंधन सरकार पर दिए गए बयानों के बारे में पूछा, तो लालू यादव ने कहा कि अमित शाह अब रिटायर हो चुके हैं और अब पूरे देश से बीजेपी वालों का सफाया होगा। उन्होंने कहा विपक्ष एकजुट होगा और अगली बार बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव अपने किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली से डायरेक्ट सिंगापुर के लिए भी रवाना हो सकते हैं। बिहार दौरे के अंतिम दिन अमित शाह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिए ये मंत्र। बीते दिन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा खत्म हुआ। बीते दिन माँ काली की पूजा और एसएसबी जवानों के साथ लंच करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट गए। दरअसल बीते दिन अमित शाह बिहार के सीमांचल के किशनगंज जिला पहुंचे, जहां उन्होंने माँ काली की आरती की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अमित शाह का काफिला आगे बढ़ा। इसके बाद अमित शाह ने महागठबंधन सरकार गठन बाद भाजपा नेताओं को किस प्रकार काम करना है और जीत हासिल करना है, इसके बारे में सुझाव दिया। कहा कि भाजपा बिहार के सभी 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इस फॉर्मूला पर काम करना है ताकि आगे विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ बिहार में भाजपा की सरकार हो। तेजस्वी यादव बोले बेकार की बात करके गए गृह मंत्री। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासी घमासान अभी भी कम नहीं हुआ है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बीते दिन गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अमित शाह बेकार की बातें करने आए थे, बेकार की बातें किए हैं, काम का तो एक भी बात नहीं किए। काम की बात होनी चाहिए थी। अमित शाह अगर बिहार में आए थे तो उन्हें विशेष राज्य और स्पेशल पैकेज के बारे में बात करनी चाहिए थी। पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसके में बोलना चाहिए था। भाजपा इतने साल से सरकार में थी, 8 साल से केंद्र में है, इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, गोपालगंज को सौतेला रूप से देखते रहे हैं, क्योंकि लालू यादव का घर है। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में भारत ने 23 सितंबर को नागपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला हैदराबाद में आज यानी रविवार 25 सितंबर को खेला जाएगा। विराट ने इस मैच से पहले मेहमान टीम को खुलेआम चुनौती दी है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7:00 से होना है। मालूम हो कि नागपुर में बारिश के कारण सीरीज का दूसरा T20 मैच 8-8 ओवर का रह गया था। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 8 ओवर में 5 विकेट पर 90 रन बनाए। इसके बाद भारतीय टीम ने 7 ओवर 2 गेंद में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने 2009 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म 1914 में हुआ। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म 1920 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान का जन्म 1939 में हुआ। जानी मानी अभिनेत्री दिव्या दत्ता का जन्म 1977 में हुआ। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्मा बाई का निधन 1955 में हुआ। साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी सुदर्शन सिंह चक्र का निधन 1989 में हुआ। बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन का निधन 1990 में हुआ। हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार कन्हैयालाल नंदन का निधन 2010 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे लगने वाले लॉटरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप पर आने वाले लॉटरी वाले मैसेज की। दरअसल PIV ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि फोन कॉल, ईमेल और मैसेज पर धोखेबाजों द्वारा यह फर्जी दावा किया जा रहा है कि प्राप्तकर्ता ने 25 लाख की लॉटरी जीती है। PIV ने कहा कि ऐसे लॉटरी स्कैम से सावधान रहें। साथ ही PIV ने कहा कि इस तरह के कॉल, मेल और मैसेज पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें।
मेटा ने अपने व्हाट्सएप यूजर्स को दी यह सुविधा। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसके बाद ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर अपने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल ग्राहकों के सवालों के जवाब देने, मार्केटिंग अभियान चलाने और सीधे चैट में बेचने के लिए कर सकती है। इसके साथ कोई भी व्यवसाय या डेवलपर आसानी से सेवा तक पहुंच सकता है, अपने अनुभव को अनुकूलित करने के लिए सीधे व्हाट्सएप के शीर्ष पर निर्माण कर सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मंतोष कुमार, शंकर मुखिया, पंकज कुमार दास, आकाश कुमार सिन्हा, रंजन कुमार, भान प्रकाश मौर्य, संजय शर्मा, राजकुमार और निकी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा कर पाएगी या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।